दोस्तों हम ये वीडियो के माध्यम से ऐसे पांच स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये स्टॉक कल बहुत बड़ा मूव दे सकते हैं। तो दोस्तों हम ये पांचों स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक को हम क्यों चूज किए। क्योंकि देखिये दोस्तों, मैंने ये स्टॉक का किसी लेवल के आसपास एंट्री करना है और इनका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों हम अब ये स्टॉक पे टेक्निकल एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक पे किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो कितना ऊपर जा पाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम ये सारे स्टॉक का स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियो चाहिए और कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरा ये जो चैनल के अंदर जो ज्वाइन बटन है वो ज्वाइन बटन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। जब ये ज्वाइन बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, मैंने जो भी सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे सर्विस आप लोगों को दिखेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सर्विस पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक बार ये सर्विस पे ज्वाइन करते हैं तो आप हमारी चैनल का मेंबर बन जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल का मेंबर है तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टॉक के ऊपर कुछ भी डाउट आ रहा है आप दोस्तों हमको कमेंट सेक्शन पे बताइए, दोस्तों आपकी क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके ये स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी चैनल के माध्यम से कुछ भी मदद मिल रहा है तो दोस्तों हमारी ये चैनल को सबके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे वेदांत स्टॉक का डेली चार्ट ओपन किया है और देखिए दोस्तों डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप इस सारे कैंडल को देखोगे तो दोस्तों एक एक कैंडल एक एक दिन के अंदर बनता है। और देखिए दोस्तों अगर आप उसका ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो दोस्तों ओवरऑल चार्ट के हिसाब से देखिए स्टॉक एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए डिसेंडिंग चैनल मतलब जब कोई भी स्टॉक दो लाइन के अंदर ही ट्रेड करता जाता है। और देखिए चैनल का ये रूल है, अगर कोई भी स्टॉक इसका ऊपर वाला लाइन को आके टच करता है या उसके आसपास आता है उसी लेवल से वो स्टॉक वापस नीचे की तरफ चला जाता है। और देखिए दोस्तों ये स्टॉक ऐसे ही ट्रेड कर रहा है, जब भी ये ऊपर वाला लाइन के आसपास आता है इसी लेवल के आसपास आने के बाद ये सेलिंग का पैटर्न फॉर्म करता है। दोस्तों सेलिंग का पैटर्न मार्केट नीचे जाने के लिए हमको सिग्नल देता है। तो इस स्टॉक के ऊपर जब सेलिंग का पैटर्न फॉर्म होता है उसी लेवल से स्टॉक वापस नीचे की तरफ चला जाता है। और देखिए दोस्तों जब ये स्टॉक ये लेवल के आसपास आया था, मतलब जब ये लाइन को आके टच किया, ये बियरिश एंगलबिंग का पैटर्न फॉर्म करके इसी लेवल से नीचे की तरफ चला गया था। और देखिए वापस जब ये ऊपर वाला लाइन को आके टच किया था तो देखिए दोस्तों इसी लेवल के आसपास ये बियरिश हरामी का पैटर्न फॉर्म करके इसी लेवल से नीचे की तरफ चला गया। और देखिए इसके बाद जब भी ये लेवल के आसपास आया है इसी लेवल के आसपास बियरिश पैटर्न फॉर्म करके ये नीचे की तरफ चला जाता है। और देखिए दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये दो तीन दिनों से ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये एक बियरिश इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न फॉर्म किया है। दोस्तों बियरिश इवनिंग स्टार एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके ये बियरिश इवनिंग स्टार बनता है। और दोस्तों बियरिश इवनिंग स्टार का पैटर्न एक सेलिंग का पैटर्न है और देखिए ये लेवल के आसपास ये सेलिंग का पैटर्न फॉर्म करके ये नीचे की तरफ आने का हमको सिग्नल दे रहा था। और ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये देखिए कितना बड़ा सेलिंग का पैटर्न फॉर्म करके ये नीचे की तरफ आ गया है। और देखिए इसका जो क्लोजिंग है अगर आप ये सारे लाइन को देखोगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ मूविंग एवरेज का लाइन ऐड किया है। और देखिए दोस्तों ये सारे मूविंग एवरेज लाइन को ये स्टॉक क्रॉस करके अभी नीचे आके क्लोजिंग दिया है। और दोस्तों जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता था मैंने ये लेवल के आसपास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ये स्टॉक नीचे आके क्लोजिंग दिया है। अगर आप उसका वॉल्यूम को भी देखोगे, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों वॉल्यूम के हिसाब से ये कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो दोस्तों एक हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बहुत बड़ा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके ये सारे मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया है। इसलिए दोस्तों मैंने ये वेदांत स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तों दो से तीन दिनों के अंदर ये स्टॉक वापस ही डबल बॉटम का लेवल के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो डबल बॉटम का लेवल आ रहा है दोस्तों ये 137 से लेकर 138 लेवल के आसपास।
तो मेजर चांस है कि इसी लेवल से स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। और दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमको यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग के लिए सिलेक्ट किया था। ठीक है दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट वन के बारे में एनालिसिस। तो दोस्तों स्क्रिप्ट टू पे मैंने जो कोटक बैंक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो चलिए दोस्तों एक बार उसका चार्ट को देख के समझ जाते हैं कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से कोटक बैंक के ऊपर क्या करने के लिए हमको सिग्नल मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोटक बैंक का डेली चार्ट ओपन करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों कोटक बैंक का चार्ट को अगर आप देखोगे तो दोस्तों एक महीना से कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ऑलमोस्ट हर दिन ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो भी स्टॉक ये 1734.80 के आसपास आया है दोस्तों, इसी लेवल से स्टॉक नीचे आने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब अगर कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो उसी लेवल से वो स्टॉक वापस नीचे की तरफ आ जाता है। और देखिए दोस्तों ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी ये स्टॉक नीचे आके क्लोजिंग दिया है। और दोस्तों अगर आप ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, मतलब ये तीन दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये बियरिश इवनिंग स्टार का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों बियरिश इवनिंग स्टार का पैटर्न एक बियरिश पैटर्न होता है, मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए हमको सिग्नल देता है। और देखिए दोस्तों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से दोनों पे हमको सिग्नल मिला कि स्टॉक इसी लेवल से नीचे की तरफ ही जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इसी ट्रेंड लाइन को भी ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया है। और दोस्तों ये नीचे आके जब क्लोजिंग दिया था उसके साथ देखिए इसका वॉल्यूम भी ज्यादा आया हुआ है। तो दोस्तों हाई वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इसी लेवल से नीचे जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। और देखिए यहाँ पे ये जो लाइन सर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन है। और देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से भी ये जो 23.6% का रिट्रेसमेंट लाइन था, इसी लाइन को ये स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों मेजर चांस बन रहा है कि कोटक बैंक का स्टॉक इसी लेवल से थोड़ा रिट्रेस होके नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तों हमारे लिए जो फास्ट टारगेट बनेगा ये 38.2% का लेवल, जो कि 1669.98 लेवल के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों ये 38.2% का लेवल हमको 1 से 2 दिन के अंदर दिख जाना चाहिए। अगर एक बार ये स्टॉक इसी लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तों हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये 50% रिट्रेसमेंट लाइन का लेवल, जो कि 1650 के आसपास आ रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से नीचे जाने के हमको सिग्नल दे रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने ये स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों ये था कोटक बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों थर्ड स्क्रिप्ट के हिसाब से आईटीसी स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके एक बार जान लेते हैं कि चार्ट पैटर्न के ऊपर आईटीसी स्टॉक किसी दिशा पे मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आईटीसी स्टॉक का डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखिये दोस्तों आईटीसी स्टॉक का अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो दोस्तों डेली चार्ट के हिसाब से देखिए स्टॉक 2-3 महीना से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जा रहा था। लेकिन दोस्तों जब ये स्टॉक के 235 लेवल के आसपास आके पहुंच गया, देखिए दोस्तों 235 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। तो उसी लेवल से देखिए वापस बाइंग का पैटर्न फॉर्म होके ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा। और देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बुलिश हरामी का कैंडलस्टिक पैटर्न है। और देखिए बुलिश हरामी का कैंडलस्टिक पैटर्न एक बाइंग का पैटर्न होता है, तो इसी लेवल से स्टॉक ऊपर जाने के हमको सिग्नल दिया। लेकिन देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन वापस बुलिश हरामी का पैटर्न फॉर्म करके ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक के लिए ये जो 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, ये लाइन स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस जैसा काम दे रहा है। क्योंकि जब भी देखिए दो बार ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लेवल के आसपास आया है और उसी लेवल से वापस नीचे की तरफ चला गया है। और देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे पे यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इसी ट्रेंड लाइन को भी ये क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया है। और उसका कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखोगे
दोस्तों ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ऑलमोस्ट एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, उसके साथ ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये एक बेयरिश इवनिंग स्टार का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो मेजर चांस है इसीलिए बोल से स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। और देखिए दोस्तों ये दो दिनों से ये जो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म किया है और ये कैंडल कॉन्टिन्यूसली नीचे जाके क्लोजिंग दिया है, लेकिन देखिए दोस्तों उसके साथ उसका वॉल्यूम नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, उसका वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है। उसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक नीचे की तरफ जाने की सिग्नल दिखा रहा है ये स्टॉक और तेजी से इसी लेवल से नीचे की तरफ जा सकता है। दोस्तों अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो हमको वापस ये 235 लेवल के आसपास देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार ये स्टॉक 235 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाएगा तो दोस्तों उसके बाद हमारे लिए जो अगला टारगेट आएगा ये 223 लेवल के आसपास, क्योंकि देखिए 223 का लेवल ये स्टॉक के लिए वापस सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये लेवल के आसपास काफी बार ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा चुका है। तो दोस्तों बेसिकली हमको अभी ये स्टॉक के ऊपर ट्रैक करना चाहिए कि ये स्टॉक इसी लेवल से अगर नीचे की तरफ जाता है और 235 लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है तो ये स्टॉक और ज्यादा नीचे की तरफ जा पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक के लिए जो सपोर्ट का लेवल है ये 235 लेवल के आसपास, इसलिए दोस्तों मैंने इस स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों ये था थार स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए दोस्तों मैंने एक बार फोर स्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों मैंने फोर स्क्रिप्ट पे टाइटन स्टॉक को सिलेक्ट किया है, तो मैंने टाइटन स्टॉक का डेली चार्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों टाइटन स्टॉक का अगर आप डेली चार्ट को देखोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस दिख रहा है दोस्तों ये मैंने मेरी पेड मेंबर ग्रुप पे शेयर किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि अगर आप यूट्यूब के अंदर जो मेरा चैनल पे ज्वाइन बटन है अगर आप वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके गोल्ड सर्विस लेते हो, मतलब 159 मंथली पे करते हो, तो दोस्तों मैं आपको हर दिन ऐसे दो स्टॉक शेयर करूंगा जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और देखिये दोस्तों अगर आप इस स्टॉक का लास्ट दिन का ट्रेडिंग को देखोगे, देखिए दोस्तों ये एक ही कैंडल ये कितना हाई वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों इस स्टॉक का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे तो दोस्तों इस स्टॉक कंटिन्यूअसली दो महीना से एक साइडवाइज रेंज के अंदर ही मूव कर रहा था। दोस्तों अगर कोई भी स्टॉक कुछ महीना के लिए साइडवाइज मूव करता है और उसी लेवल को एक दिन वो स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो दोस्तों मेजर चांस रहता है कि वो स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जितना भी सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रहा है ये स्टॉक इस सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों अगर हाई वॉल्यूम के साथ इस टाइप का बाइंग का पैटर्न फॉर्म होता है तो स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है। दोस्तों अगर ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इस स्टॉक के लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1 to 75 का लेवल। तो दोस्तों मैंने फर्स्ट टारगेट पे ये लेवल को क्यों सिलेक्ट किया है, देखिए दोस्तों अगर कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और वो स्टॉक के ऊपर कोई गैप होता है कि मेजर चांस रहता है कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाके वो गैप को फिल कर लेगा, इसलिए दोस्तों मेजर चांस है कि स्टॉक दो हफ्ते के अंदर 1 to 75 लेवल के आसपास पहुंच जाएगा और उसी लेवल से एक से डेढ़ महीना के अंदर ये स्टॉक 1377 लेवल के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर हमको क्लियर कन्फर्मेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए दोस्तों मैंने ये स्टॉक को बाइंग करने के लिए सिलेक्ट किया है। और दोस्तों उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैंने ऑलरेडी मेरा फ्री इंट्राडे टिप्स वीडियो पे शेयर कर चुका हूँ, आप वो वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो को देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने जो स्टॉप लॉस और टारगेट सारे बताया है तो दोस्तों ये पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तभी दोस्तों आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। तो चलिए अभी जो लास्ट स्क्रिप्ट है टाटा स्टील स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टाटा स्टील स्टॉक का डेली चार्ट ओपन कर रहा हूं। देखिए दोस्तों टाटा स्टील स्टॉक का अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे दोस्तों ये स्टॉक देखिए कुछ महीना पहले ये नीचे की तरफ ही जा रहा था, लेकिन ये लेवल के आसपास आने के बाद, मतलब ये 310 लेवल के आसपास आने के बाद ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न फॉर्म किया
और ये डबल बॉटम टाइप का पैटर्न फॉर्म करके इसी लेवल से वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक का चार्ट को देखोगे तो ये स्टॉक लगभग हर दिन हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके इसी लेवल से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे देखिए कितना बड़ा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करके हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ गया है। तो मेजर चांस है कि स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दोस्तों ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक कंटिन्यूअसली 2 से 3 महीना से ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो किसी लेवल के आसपास हमारी टारगेट रहना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पे पेंसिल पे एक लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो दोस्तों इस स्टॉक का मूवमेंट कैसे हो रहा है आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों इसी लेवल से ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था और वापस ऊपर की तरफ गया, फिर जब नीचे की तरफ आया ये लेवल के आसपास एक डबल बॉटम का लेवल फॉर्म हुआ और वापस इसी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है एक डब्लू टाइप का पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको मेजर चांस बन रहा होगा कि ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा और ये स्टॉक के लिए जो फास्ट टारगेट बनेगा ये 479 लेवल के आसपास, क्योंकि 479 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक डबल टॉप लेवल के आसपास आ रहा है। अगर एक बार ये स्टॉक ये 479 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया तो दोस्तों हमारे लिए जो सेकेंड टारगेट बनेगा ये 515 लेवल के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये था टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस, और ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने के हमको सिग्नल दे रहा है। और दोस्तों हमको नया नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए हमारी चैनल के अंदर ये जो ज्वाइन बटन है ये ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके हमारा मेंबर बन जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।